सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय, आई एम शफक, वेलकम टू अशमास किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंडे की भुर्जी। अंडे की भुर्जी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, कम टाइम में यह बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ या ब्रेड के साथ जिससे भी खाएं, यह बहुत ही लाजवाब लगती है। तो यहाँ हमने 3 अंडे लिए हैं और 1 मीडियम साइज की प्याज को हमने यहाँ बारीक काट लिया है, 2 मीडियम साइज के यहाँ टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च को हमने यहाँ बारीक काट लिया है। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, 1/2 टीस्पून यहाँ हम लेंगे पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून विनेगर और नमक स्वाद के अनुसार। विनेगर हम इसलिए लेंगे क्योंकि जो अंडे में स्मेल होती है वो विनेगर से नहीं आती है। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। तो पैन में हमने यहाँ 1 टेबलस्पून के करीब तेल डाल दिया है और तेल यहाँ हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम ये प्याज। तो प्याज ये हल्की गुलाबी हो गई है, अब इसमें डाल देंगे हम ये मिर्च और इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ मिर्च भी हल्की फ्राई हो गई है, अब इसमें डाल देंगे हम ये हल्दी पाउडर देंगे टमाटर के नरम होने तक हम इसे पका लेंगे। तो जब तक टमाटर पकते हैं उतनी देर में हम इन अंडों को अच्छी तरह फेंट लेते हैं। तो यहाँ हम ये काली मिर्च डाल देंगे, इसी में डाल देंगे हम नमक। तो नमक ही हम यहाँ थोड़ा सा डाल रहे हैं और थोड़ा सा हम प्याज में भी डालेंगे, इसे अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। तो अंडों को यहाँ हमने अच्छी तरह फेंट लिया है, अब चलते हैं हम प्याज और टमाटर की तरफ। तो यहाँ ये प्याज, टमाटर और मिर्च अच्छी तरह फ्राई हो गई है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम अंडे में भी डाल चुके हैं तो यहाँ नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे। तो नमक आप बिल्कुल अपने हिसाब से ही डालें। अब डाल देंगे हम इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ जो अंडे फेंटे हुए थे अब ये अंडों को हम इसमें डाल देंगे। तो गैस को यहाँ हमने तेज कर दिया है और इसे लगातार चलाते हुए हम इसकी भुर्जी तैयार कर लेंगे। अब यहाँ गैस को करेंगे हम थोड़ा सा मंदा और हमने ये जो विनेगर लिया था ये विनेगर को डाल देंगे। विनेगर डालने से अंडे में जो स्मेल होती है वो नहीं आती है और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अब डाल देंगे हम ये हरा धनिया, मिक्स कर देंगे। तो ये अंडे की भुर्जी तैयार हो गई है। अब यहाँ हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे।
तो देखा आपने कितना आसान है ये अंडे की भुर्जी को बनाना। जितना आसान इसे बनाना है, खाने में ये उतनी ही टेस्टी है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। तब तक आप